वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी इको 5 सीटर का वॉक अराउंड। गाइस, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट साइड से, गाड़ी की फ्रंट साइड की बात करें तो सबसे पहले आपको हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक ग्रिल सुजुकी के लोगो के साथ। गाड़ी के बम्पर की बात करें तो आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फॉग लैंप्स आप एक्सेसरी में लगवा सकते हैं। चलिए गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। साइड प्रोफाइल पे आपको नॉर्मल ओएमएस मिलेंगे, जिनको आपको बाहर से एडजस्ट करना पड़ेगा। गाड़ी के टायर साइज़ की बात करें तो आपको 155/65R13 सेक्शंस के टायर साइज़ मिलेंगे, जो कि ट्यूबलेस रहेंगे। गाड़ी की फ्रंट साइड आपको डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन मिलेगा और रियर साइड पे आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलेगा। गाड़ी में AVS स्टैंडर्ड्स मिलेंगे आपको, हैज़ BS6 नॉर्म्स। गाड़ी में फ्यूल ऑफ इस पॉइंट से भरवा सकते हैं। चलिए गाड़ी की बैक प्रोफाइल पे चलते हैं। गाड़ी की टेल लाइट में आपको हेलोजन बल्ब मिलेंगे, LED का ऑप्शन नहीं मिलेगा। गाड़ी में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, जो कि गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। बैक साइड पर आपको सुजुकी का लोगो, इको की वैजिंग। गाड़ी की बैक विंडशील्ड पे आपको स्टॉप लैम्प का ऑप्शन मिलेगा। चलिए गाड़ी की रियर सीट्स पे चलते हैं। मारुति इको में आपको स्लाइडिंग डोर्स का ऑप्शन मिलेगा। सो ऐसी कुछ रियर सीट्स हैं मारुति इको की। गाइस, मारुति सुजुकी इको में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करवाई गई है। बेसिकली इस व्हीकल को आप फैमिली पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लुक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। गाड़ी की सीट्स में आपको इनबिल्ट हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है, एडजस्टेबल का नहीं मिलेगा। गाड़ी के रियर डोर्स पे आपको मैन्युअली विंडो अप्स एंड डाउन्स करने पड़ेंगे। रियर कैबिन लाइट भी देखने को मिलेगी आपको। पीछे की साइड आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं आप अपना। चलिए गाड़ी की बूट स्पेस दिखा देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, गाड़ी की बूट को आपको की से ओपन करना पड़ेगा। गाड़ी में आपको 540 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका काफ़ी ज़्यादा लगेज आ जाएगा। अगर आप कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सामान आप कैरी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, गाड़ी की ड्राइवर सीट्स पे चलते हैं। गाड़ी की बात करें तो आपको रिमोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिंपल की देखने को मिलेगी। चलिए गाड़ी के अंदर की साइड चलते हैं। गाड़ी की डोर्स की बात करें तो आपको पावर विंडोज़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैनुअली विंडो कंट्रोल करनी पड़ेगी। लॉक एंड अनलॉक ऑप्शन। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा, छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आप ट्रिप ए वी और मीटर की रीडिंग चेक कर सकते हैं। हैजार्ड लाइट के स्विच आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइट्स के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे। गाड़ी में आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, हीटर का ऑप्शन मिलेगा, एसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि गाड़ी का बेस मॉडल है। गाड़ी में आपको 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, थोड़ी सी स्पेस, 12V पावर सॉकेट के साथ। गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम एक्सेसरी का पार्ट है, ये आपको एक्सेसरी में लगवाना पड़ेगा, इनबिल्ट नहीं मिलेगा। गाड़ी के ग्लो बॉक्स में डिसेंट स्पेस है, नॉर्मल काम चल जाएगा। गाड़ी ऊपर साइड भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। गाड़ी के सन वाइजर की बात करें तो आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ्रंट कैबिन लाइट में आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, LED आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। ड्राइवर सन वाइजर पे भी आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए फ्रेंड, गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं।
ये कूलेंट बॉक्स है, ये ब्रेक फ्लूइड, ये वॉशर, ये एवीएस ब्रेक्स का सिस्टम। गाइस इंजन स्पेसिफिकेशंस मैंने वीडियो में मेंशन किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। सो ओके गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था मेरा आज का मारुति इको का वॉक अराउंड। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए रहेगी जो जो व्यापारी हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ों का काम करते हैं या जिनका किराना स्टोर का काम है, तो इसमें सामान आप अपना लेके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी ये फैमिली यूजेबल भी है गाड़ी, आप अपनी फैमिली को कहीं आगे पीछे लेके जा सकते हैं। 5 सीटर है इसमें, 7 सीटर का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन 5 सीटर में आपको डिक्की में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, जिसके लिए आपका काफ़ी ज़्यादा सामान पीछे आ सकता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मेरी वीडियो तो देखते हो आप लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे को कैसे लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग भी रही है कि नहीं लग रही। बाकी आई होप कि मेरी बाकी वीडियोस, आने वाली वीडियोस को भी आप ऐसे ही प्यार दो जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस को प्यार दिया। ओके बाय बाय गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट और माई वीडियो।